नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शकों, बंधुओं, मित्रों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बता रहा हूं। अक्सर हम कई मौके पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आप किसी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से वो भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने से लज्जा नहीं आई। आप में से अक्सर लोग उसका नाम लेकर गाली देते हैं। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार से बयां की है कि दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी वर्षों में हम ऐसे घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझे। पर हमें आपसी यानी आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उसमें हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उसमें आपके जन्म पर जैसे नाच गाने होते हैं, बाजे बजते हैं, खुशियां मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर, वो रुई की भांति नरमीला तो नहीं था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वो अपने 4 बच्चों की छाती से चिपका करके एक राख के ढेर पर पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई को लाल और भूरे रंग के थे, और मैं अकेला काला था, सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास तब आती क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती, कभी भोजन मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर जो भी, यानी कि रात भर जग कर वो ख्याल रखती थी, और रात भर जाग जाकर गांव की रखवाली भी करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नियत से गांव की ओर झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान की खेत में कोई सांड या फिर नील गाय फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई हमारी माँ को स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था, उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडे से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर भी, यानी कि आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह लगती है, ऊपर से उसे 4 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से नहीं बैठने देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई भी चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, कुछ लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था उसे, सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंड बरसात हुई, ओले पड़े, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़ी मरे थे, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक
बनिया के घर पर दावत चल रही थी, पूड़ियाँ बन रही थी। बनिए के घर काफ़ी मेहमान आए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते। किसी को उस पर न तरस आई न दया आई कि एक पूड़ी बेचारी को खाने को फेंक दें। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर वहीं पर रह जाती और खड़ी खड़ी देखती रहती। दोस्तों, उस बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसने जाने लगा। माता जी यानी कि मेरी माता जी भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गए तो मेरी माँ दबे पाव पूड़ियों के पास पहुंच गई। अब उसे देखकर चारों तरफ से दो दो हा हा धत धत की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे। मेरी माँ चीख पुकार सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी डंडे लेकर उसे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से ही लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तो माँ जो लोग वहाँ खाना खा रहे थे उनके ऊपर से होकर गुजरती हुई बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई कि वहाँ पर दावत खा रहे थे जो उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। कह रहे थे कि कुत्ते की लांग जाने के कारण भोजन नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यूँ भी कह रहे थे कि भाई कुत्ते के लांगने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में पत्तलों में मुँह थोड़े ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वो सारा भोजन गरीबों को बांट दिया गया। उन दिन मेरी माँ खूब पेट भर करके खाना मिला। ऐसा सुख उसके जीवन में कभी नहीं पाया, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहाँ आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वो बनिया डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसने बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ बिलाप का सुनकर पत्थर भी पसीस जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आई। वो उसे कठोरता से पूर्वक पीटता रहा। माँ को आह का यानी जो शोर सुना पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा जीवन, हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों को पीड़ा नहीं समझता। एक दिन की बात है बताऊं, गांव में एक बाहर का मुसाफिर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दिया। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं में पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई पहुँच गई। उसने गूंदे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इसे आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुत्ते के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्ते ने आकर खा लिया तो वो बड़ा दुखी हुआ। वो बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा क्योंकि वो भी तो दो तीन दिनों का भूखा और थका हारा था। दोस्तों, कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया, कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होकर बोला, भाई मुझे क्या मालूम कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए कब से बैठी है। मुसाफिर ने आव देखा ना ताव देखा, लाठी लेकर कुतिये के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खाने में खा भी नहीं पाई थी कि उससे ज्यादा उस पर लाठी की बरसात हुई। महीने तक मेरी माँ लगड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई काम करते हैं तो वो हमें नहीं समझता। हमारी कभी एक कमी यह है कि हम उन्हें मतलबी इंसानों के अधिकार यानी कि अधीन ही रहना चाहते हैं। जो हमें कष्ट देता है वो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो हम ही करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वो हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते
को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय को होती है और पिछली रोटी कुत्ते के लिए होती है। ऐसा ही महापुरुषों से विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाई उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वो फायदे। मित्रों, कहते हैं कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों को जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष दूर हो जाते हैं। पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि ग्रह नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उसकी महादशा का आरंभ शनि दशा 7.5 शनिधया होता है तो उसे के बनाए बनाए का यानी बने बनाए काम भी अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वो आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाए तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरा फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर में यानी आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहती। 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, 5वां फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। 6, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। 7, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं, मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है जो इस मूक पशु पर दया दिखाता है और इसके विपरीत कुत्ते को मारने पीटने वाला मनुष्य दरिद्री होता चला जाता है। आपका भले ही कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं कुत्ता जब रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो बीमार कुत्ता या घायल कुत्ता का इलाज करवाता है उस पर अश्विनी कुमार सदैव प्रसन्न रहते हैं। वो मनुष्य सदैव निरोगी बना रहता है। दर्शकों, बंधुओं, मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे भी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.